डीएसपी संतोष पटेल पहली बार वर्दी में अपनी मां से मिलने खेत पर पहुंचे तो मां चारा काट रही थी। इस दौरान मां बेटे के बीच हुआ संवाद चर्चाओं में है। बेटे ने मां से चलने को कहा तो मां ने अपने बच्चों के लिए काम करने 2 रुपए जोड़ने की बात कही। संतोष पटेल पन्ना जिले के रहने वाले हैं और डीएसपी बनने के बाद पहली बार वर्दी में मां से मिलने गांव पहुंचे। इस दौरान उन्हें पता चला कि मां खेत में है तो वे खेत पे जा पहुंचे जहां मां चारा काट रही थी। खेत पहुंचने पर उन्होंने मां से उनका हालचाल पूछा और स्थानीय बोली में कहा कि अब सब करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ ग्वालियर चलो, वहीं रहेंगे। इसके जवाब में मां ने स्थानीय बोली में कहा कि हमारी ममता नहीं मानती, बेटन के लिए 2 रुपये जोड़ने हैं। ये वीडियो खुद डीएसपी संतोष पटेल ने 26 फरवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, डीएसपी बने 5 साल हो गए और पहली बार अपनी माँ के पास वर्दी में मिलने खेत पर पहुंचा, जिसका मातृभाषा में संवाद। क्या कर रहे थे? मजबूर आ रिया भैया चाचा थे। अरे अब अभी आप कह के चाचू कर रहे थे फालतू में? तो क्या करो भैया, भैंसिया एक खराखे बिना दूध घी बिना नहीं चले, चार रिश्तेदार आएगी। अरे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी चक्कर में? सही है कहा था भैया, तो क्या करूँ, सयाना आदमी है तो बैठे चैन पड़ा था, तो कराई का पड़ी। चलो ना वहीं रहो ग्वालियर में। हाँ भैया चलियो, पे नहीं चल तू अब नाते गेहूँ। हाँ गेहूँ आ भाई हो भैया, माहू राग गए सरसों माँ माहू का हो तो रोग रोग आ हो तो कीड़ा हो तो भैया तो ये कहा गुड़ा लिया छोड़ रहे? हाँ गुड़ा लिया चाचा थो का भैंसिया के लाने। हाँ भैंसिया के लाने आ बेटा चाचा थो आ गरीबी में मुँह हुईगा कारा आ मोरे बेटा हुईगा पुरेश मारा। संतोष पटेल को डीएसपी बने 5 साल हो गए हैं। ये पहला मौका था जब वे वर्दी पहनकर माँ से मिलने खेत परिजा पहुंचे, जहां स्थानीय बोली में दोनों के बीच बातचीत हुई। संतोष पटेल मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के तौर पर ग्वालियर जिले में पदस्थ हैं। वह पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के गांव देह गांव के रहने वाले हैं। पटेल अपनी सादगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।